राधे कृष्णा फ्रेंड्स आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल माय बेस्ट फॉर दैट क्योंकि अगर किसी भी चीज को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है सो so so एफोरिज्म और फोर्थ एफोरिज्म की जो हमारी ये अभी करंट सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हैं हमारा थर्ड एफोरिज्म है क्विक रिव्यू करते हैं थर्ड एफोरिज्म का वन लाइनर है वो है नॉलेज ऑफ और प्री रिक्विजेट क्वालिफिकेशन ऑफ द फिजिशियन और फोर्थ एफोरिज्म है उसका है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था थर्ड एफोरिज्म के अंदर आठ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं है नंसन ने और फोर्थ के अंदर तीन क्विकली वो पॉइंट्स याद कर लेते हैं कौन कौन से थे सबसे पहले थर्ड एफोरिज्म में था फर्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ डिस दूसरा था नॉलेज ऑफ मेडिशनल पावर तीसरा था नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिस नॉलेज चौथा था नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी अब तक हमने तीन पॉइंट्स को कवर अप किया है अब तक की वीडियोस में इंट्रोडक्शन का फर्स्ट वीडियो फिर नॉलेज ऑफ डिस का फिर नॉलेज ऑफ मेडिशनल पावर का फिर नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिस नॉलेज चारों वीडियोज़ में पिछली वीडियो का क्विक रिविजन और फिर नेक्स्ट पॉइंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फोर्थ पॉइंट नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी बाकी के पॉइंट्स भी फटाफट देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट है नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन यानी नॉलेज ऑफ फार्मासी फिर सिक्स है नॉलेज ऑफ प्रॉपर डूज रिक्वायर्ड सेवेंथ है नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डूज एट्थ है नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू बी क्योर्ड एंड द रिमूवल और फोर्थ हेफोरिज्म में हैन सर एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कौन कौन सी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए फिजिशियन के पास फोर्थ हेफरिज्म है प्रिजर्वर ऑफ़ हेल्थ के रिलेटेड यानी कि कौन सी चीज़ें हेल्थ को डरेंज करेंगी कौन सी चीज़ें डिसीज़ को कॉज करेंगी और कैसे हमें उस चीज़ों को किसी भी पर्सन से रिमूव करना है सो नॉलेज ऑफ द थिंग्स दैट डरेंज हेल्थ नॉलेज ऑफ थिंग्स दैट कॉजिस डिसीज एंड नॉलेज ऑफ द थिंग्स दैट कॉजेज डिस एंड हाउ टू रिमूव दैन फ्रॉम द पर्सन थर्ड पॉइंट को हमने कल किया था जिसका क्विक रिविजन हम आज करेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिस नॉलेज ये हमारा थर्ड पॉइंट है कंटिन्यू करते हैं सो एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट इन ऑर्डर टू अचीव द हाइस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज एन आर्ट यानी कि मेडिसिन को कैसे अप्लाई करना किसी भी पेशेंट में क्योंकि हमें हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर तक पहुंचना है हमें क्योर करना है उस पेशेंट को ये एक आर्ट है यानी कि मेडिसिन को कैसे हम पेशेंट को देना कैसे वो क्योर तक पहुंचेगा तो ये सारी चीज़ें आर्ट है इसके लिए फिजिशियन के पास थोड़ा नॉलेज होना चाहिए एक्सपर्टीज होनी चाहिए सो ये इसीलिए इसको आर्ट बोला गया है कैसे होम्योपैथी एक आर्ट है ये ये भी एक अलग से टॉपिक है जिसके ऊपर भी हम आने वाले समय में वीडियो लाएंगे सो वेट एंड कुछ देर आर सर देर आर सेवरल मैथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन बाई द फिजिशियंस और पायोनिट्स यानी बहुत सारी मैथड्स हैं कैसे हम मेडिसिन को अपलाई करें उसकी डिफरेंट डिफरेंट मैथड है जो डिफरेंट फिजिशियंस या फिर डिफरेंट पायोनिट्स ने रिकमेंड की है जिसमें से आउट ऑफ विच अपोजिट लू एंटीपैथी एंड द लॉ ऑफ सिमिलिया होम्योपैथी एज वेल एज द इफेक्ट विच लीक द लिंक डिस एंड मेडिसिन आर मोर पॉप्युलर यानी इन चीज़ों में से डिफरेंट मैथड्स में, में से जो अपोजिट लो है एंटीपैथी और जो लॉ ऑफ सिमिलिया है यानी कि होम्योपैथी और उसके इफेक्ट्स जिसमें कुछ लिंक है वो कमी है जिसमें डिस और मेडिसिन के बीच की मतलब कुछ ऐसे इफेक्ट्स है वो ज़्यादा पॉपुलर है तो इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि एंटीपैथी और होम्योपैथी कुछ पॉपुलर है अमोंग दिस वेराइटीज़ ऑफ़ मोड ऑफ ट्रीटमेंट द फिजिशियन हैज़ टू सेलेक्ट विच वन ऑफ दैम इज द मोस्ट सूटेबल तो ये जो डिफरेंट मैथड्स है उसमें से फिजिशियन को सेलेक्ट करना है कि कौन सी मैथड है वो ज़्यादा सूटेबल है उस पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग हैनमन हैज़ एक्सप्लेन एंड प्रूव दैट द होम्योपैथी इज़ द ओनली क्यूरेटिव मैथड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल डिजीज हैनेमन सर ने ये प्रूव किया है एक्सप्लेन किया है कि कैसे होम्योपैथी ही एकमात्र हमारी क्यूरेटिव मैथड है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए किसी भी डिजीज़ को नेचुरली क्योर करने के लिए और ये चीज़ों को हम एक्सपीरियंस के साथ भी और ज़्यादा देखते जाते हैं और समझते जाते हैं एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो टीचिस दैट द लॉ ऑफ सिमिलिया इज द ओनली क्यूरेटिव लॉ एक्सपीरियंस के साथ भी हमें ये पता चलता है कि लॉ ऑफ सिमिलिया कैसे एकमात्र क्यूरेटिव लॉ है हैंड्स द फिजिशियन शुड हैव द साउंड नॉलेज अबाउट द होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर एंड इट्स प्रॉपर एप्लीकेशन और इसीलिए फिजिशियन के पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए अबाउट होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर क्या है और उसका प्रॉपर एप्लीकेशन कैसे है क्यों यहाँ पर ऐसा कहा गया कि फिजिशियन के पास होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि हेनम सर ने देखा है कि लॉ ऑफ सिमिलिया एकमात्र क्यूरेटिव प्रोसेस है एक्सपीरियंस के साथ भी वो चीज़ें और ज़्यादा प्रूव होती जाती है और अच्छे से अगर लॉ ऑफ सिमिलिया हमें पता होगा लॉ ऑफ होम्योपैथिक लॉ ऑफ का हमें अच्छा नॉलेज होगा तो हमें ये इजी हो जाएगा कि हम कैसे मेडिसिनल नॉलेज को ड्रग नॉलेज को डिस नॉलेज में अप्लाई करें ये हमारे लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा सो हैनी सर स्टेज सेट टू अचीव हाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर सर ये भी बताते हैं कि हाईस्ट आइडियल ऑफ क्योर को अचीव करने के लिए द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रेमेडी फार्मेसी सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर प्रॉपरपोर्टेंसी एज वेल एज रिपिटेशन ऑफ़ द रेमडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और कुछ और पॉइंट्स भी है इस नॉलेज के अलावा जो इंपॉर्टेंट है जो हम आगे के पॉइंट्स में देखेंगे वही सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन है सो एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग नॉलेज टू डिस नॉलेज इज़ द मैटर ऑफ मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस और ये जो एप्लीकेशन है ड्रग नॉलेज का डिसज नॉलेज पे ये एक ऐसा मैटर है मेडिसिन का जो हमें एक्सपीरियंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता जाएगा और हमें याद होता जाएगी सारी चीज़ें नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी अब नॉलेज क्या है चॉइस ऑफ रेमेडी का नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी फोर्थ पॉइंट नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अब हमारा ये पॉइंट भी हम स्टार्ट करते हैं फिनिश करते हैं और जल्दी से बढ़ेंगे फिर कल की वीडियो की इंट्रोडक्शन पे लॉ ऑफ सिंगल रेमेडी इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ होम्योपैथी हमने कार्डिनल प्रिंसिपल्स यानी कि जो फंडामेंटल लूज़ है होम्योपैथी के उसके बारे में हमने अच्छे से देख लिया है पढ़ लिया है सो जो लॉ ऑफ सिंगल रेमेडी है वो एक फंडामेंटल लॉ है होम्योपैथी का ये हमें पता है सो लॉ ऑफ सिंगल रेमेडी इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ होम्योपैथी सिलेक्टिंग द सिंगल रेमेडी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एज वेल एज डिफिकल्ट टास्क जो सिंगल रेमेडी को सिलेक्ट करना है वही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है और वो डिफिकल्ट टास्क भी उतना ही है इम्पॉर्टेंट जितना है उतना ही वो टास्क डिफिकल्ट है सिलेक्टिंग द सिंगल रेमेडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज डिफ़िकल्ट टास्क द प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी यानी कि किसी भी सिंगल रेमिडी को कैसे सिलेक्ट करना वो एक इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट टास्क है होम्योपैथी में ड्यूरिंग केस टेकिंगाइंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट आर एक्चुअली सिमिलर टू द ग्रुप ऑफ ड्रग पिक्चर एंड अवर मटीरियल मेडिकल सो जैसे जैसे पेशेंट फिजिशियन पेशेंट का केस टेकिंग करता है तो केस टेकिंग के दौरान फिजिशियन को पता चलता है वो कुछ ऐसे सिम्टम्स को फाइंड करता है पेशेंट के जो एक्चुअली सिमिलर होते हैं कुछ ड्रग पिक्चर के साथ कुछ ग्रुप ऑफ ड्रग पिक्चर के साथ मटिगामेडिका में बट ओनली द मोस्ट सिमिलिमम एंड सिंगल रेमेडी हैज टू बी एडमिनिस्टेड एट अ टाइम लेकिन एक टाइम पर हमें उस पर्टिकुलर टाइम की मोस्ट सिमिलिमम सिंगल रेमेडी ही सिलेक्ट करके देनी होती है सो द प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग ओनली द पिक्युलर एंड अनकॉमन सिम्टम्स विल हैव द फिजिशियन इन सिलेक्टिंग द सिंगल रेमेडी और इसीलिए जो प्रोसेस है कि कैसे कंसिडर करना है उसको सिर्फ कुछ ऐसे पिक्युलर अनकॉमन सिम्टम्स जो फिजिशियन को हेल्प करे सिंगल रेमेडी को सिलेक्ट करने के लिए वो उसे पता होना चाहिए ऑल द सिम्टम्स अल्टर्ड बाय द फिजिशियन आर नॉट इक्वल वेल यानी कि सारे सिम्टम्स जो फिजिशियन नोट करता है लिखता है अल्टर करता है वो सारे इक्वल वैल्यू के इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते उसमें से फिजिशियन को फाइंड करना होता है कौन से मोस्ट पिक्युलर अनकॉमन सिम्टम्स है और उसके थ्रू उसको मोस्ट से मिलिमम सिंगल रेमेडी फाइंड करनी होती है द फिजिशियन मस्ट नो द इम्पोर्टेंस एंड वर्थ ऑफ द सिम्टम्स इन द सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी फिजिशियन को ये तो पता ही होना चाहिए कि इम्पोर्टेंस क्या है वर्थ क्या है सारे सिम्टम्स का और सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में यानी कि इस रेमेडी को सिलेक्ट करने के लिए सारे सिम्टम्स का इम्पोर्टेंस और वर्थ क्या है ये फिजिशियन को पता होगा तभी वो अच्छे से सिलेक्ट कर पाएगा किसी रेमेडी को ही शुड क्लियरली डिस्टिंग्यूज द सिम्टम्स ऑफ द अल्टमोस्ट एंड माइनर इम्पोर्टेंस और उसको ये डिफ्रेंशिएट करके जो मोस्ट माइनर इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है उसको भी कंसिडर करना होता है टोटालिटी ऑफ द केस और उसकी चॉइस ऑफ रेमेडी के लिए उसके पास कुछ ऐसे सिम्टम्स होने चाहिए जो वैल्यूएबल हो परफेक्ट हो जो टोटली परफेक्ट टोटालिटी ऑफ द केस को रिफ्लेक्ट कर रहे हो ऐसे सिम्टम्स होने चाहिए उसके पास तभी वो जाकर अच्छी रेमेडी को सिलेक्ट कर पाएगा सब उसकी दस सिम्टम्स है जिसमें से लेने थे कुछ चार पांच मेन पिक्युलर सिम्टम्स लेकिन फिजिशियन में ने उस चार पांच में से सिर्फ दो पिक्युलर लिए और दूसरे कॉमन ले लिए तो वो प्रॉपर ड्रग पिक्चर नहीं बनेगी इसलिए फिजिशियन के पास टोटालिटी ऐसी परफेक्ट होनी चाहिए वैल्यूएबल सिम्टम्स की होनी चाहिए जो परफेक्टली केस को रिफ्लेक्ट करे और यहाँ पर नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी के लिए फिजिशियन के पास मटीरिया मेडिका का नॉलेज भी होना चाहिए उसके पास प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का नॉलेज भी होना चाहिए अलाइड मेडिसिनल सब्जेक्ट्स है जैसे कि फिजियोलॉजी पैथोलॉजी वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ों का नॉलेज भी होना चाहिए साथ ही साथ ऑर्गेनन और फिलोसॉफी का भी नॉलेज होना चाहिए यानी कि फिजिशियन के पास अपने सारे सब्जेक्ट का साइमल्टेनियस परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए तभी जाकर वो सारी चीज़ें केस टेकिंग से लेकर सिम्टम सिलेक्शन से लेकर टोटालिटी फॉर्म करने के बाद रेमेडी को से लेकर ना ये सारी चीज़ें तभी परफेक्ट होगी

आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेल नाउ अगर वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और जो भी आपके कुछ रिव्यूज है कुछ डाउट है क्वेश्चन है या फिर फर्दर टॉपिक्स के सजेशन है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर थैंक यू थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाव और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशंसी और आपके जो भी सजेशन्स है रिव्यूज़ है कॉमेंट में ज़रूर बताइए आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट थैंक यू